तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है अतीक अहमद और अशरफ अहमद के दस शॉट पे। उनके वकील ने क्या कहा और क्या बात हुई, आपको ये वीडियो प्लीज पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के वकील विजय मिश्रा ने एक सनसनीखेज दावा किया है। मिश्रा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रयागराज से बरेली ले जाने के दौरान उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां एक पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि इस बार बचे हो लेकिन 15 दिन में जेल से निकाल के काम तमाम कर देंगे। हालांकि वकील ने यह भी बताया कि अशरफ ने उस अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि अगर हत्या हुई तो एक सीलबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट और सीएम के पास पहुंचेगा। 28 तारीख को उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाएगा, तो जहाँ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसी द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी के नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी तो बंद लिफाफा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई हाईकोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकार बनकर आए तीन लोगों ने काफी नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन पर ये गोलियां तब चलाई गई जब पुलिसकर्मी उन्हें प्रयागराज के एक मेडिकल जांच के लिए कॉलेज ले जा रहे थे। प्रयागराज में जेल में बंद दोनों भाइयों को हथकड़ी पहनाई गई थी, जब रात करीब 10 बजे कैमरा क्रू के सामने उनकी हत्या कर दी गई। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रबित शर्मा ने कहा कि घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किए गए तीन हमलावर मीडिया कर्मियों के समूह में शामिल हो गए थे, जो अहमद और अशरफ से साउंड बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे। आपको बताते चले कि 13 अप्रैल को अतीक अहमद के बेटे असद की यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार चल रही है, वो भी उमेश पाल मर्डर केस के मामले में आरोपी बनाई गई।